रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट. अभी क्या होता है रामायण की कहानी में, कैकेयी, कैकेयी के मन में क्या था? जेलसी. कौशल्या का बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा नहीं बनेगा. गेटिंग माय पॉइंट? जेलसी. जेलसी ने क्या कर दिया? राम को वनवास दिलवा दिया. हाँ, इतना बड़ा रामायण हो गया. अगर कैकेयी के मन में जेलसी का भाव ही नहीं आता तो कहानी कुछ और होती, वनवास होता ही नहीं. और उसके पति की दुखद मृत्यु भी नहीं होती. दशरथ की मृत्यु होती? नहीं होती, वो विधवा नहीं होती. ठीक है. और लक्ष्मण जी, ये भी बहुत ज़बरदस्त, तुम्हारे पास अगर कोई महिला आए तुम्हारे पास, ए जी, कोई लड़की आए सुंदर सी और बोले मेरे से विवाह कर लो, तो क्या करोगे? नाक काटोगे? नहीं ना. अरे मना कर दो, अभी मन नहीं है, अभी हम करियर बनाएंगे, अभी सिविल में एडमिशन करवाए हैं, अभी विवाह का समय नहीं है. समझ रहे बात को? राम जी के पास गई, राम जी ने मना कर दिया कि भाई मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी मेरे साथ है. राम जी लक्ष्मण को इशारा कर दिए, लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण उसका नाक काट दिए. तो लक्ष्मण रिप्रेजेंट्स एंगर, हर बात में क्रोधित हो जाते थे. ठीक है ना. तो राम बोलते थे धैर्य लक्ष्मण, धैर्य. ठीक है. तो आपको गुस्से से एंगर हम लोग सब के अंदर होता है, लेकिन जब गुस्सा में आ जाओ तो दिखाओ कि ये एंगर जो आया है ये मेरा अहित कर सकता है, उससे हमको बचना है. ठीक है. और रिस्पॉन्ड, डोंट. एंगर में आप क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं. रिस्पॉन्ड नहीं करते. लक्ष्मण ने क्या किया? रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया. और रावण रिप्रेजेंट्स एरोगेंस. लंकापति रावण है ना, दशानन, एरोगेंस था, अति अहंकार. ठीक है. हम लोग संस्कृत में पढ़ते थे कि अति रूप से सीता का हरण हुआ था और अति अहंकार से रावण का वध हुआ था. तो एरोगेंस और रिवेंज ये रावण के साथ था, ये भी नुकसानदेह है. लेकिन यहाँ सबसे बेस्ट कैरेक्टर हमको लगता है किसका? हनुमान जी का कैरेक्टर. देखो कितना अच्छा है. सीता खो गई, सीता का हरण हो गया, राम जी ने किसको भेजा जिम्मा दिया? हनुमान जी को. लक्ष्मण को बाण लगा, किसको जिम्मा दिया? अच्छा, कोई संडे मंडे देखते थे राम जी? अच्छा, हनुमान जी बोलते थे कि आज तो बहुत संडे, आज तो छोड़ दो. हाँ, अच्छा, मिडनाइट को हम लोग यहाँ पे जितेंद्र और खुर्शीद बैठा है, रात को फोन करेंगे तो फोन भी नहीं उठाएगा इसको. ठीक है ना, कि बॉस पागल हो गए हैं, अभी छोड़ दो. हाँ, लेकिन हनुमान जी, उनको आधी रात को बोला गया कि भाई हमको संजीवनी चाहिए, वो भी कहाँ? लंका और कहाँ? अयोध्या. ठीक है, लंका से अयोध्या आ गए संजीवनी लेने के लिए. कभी मना वो, तुम लोग सब मेरे हनुमान बन जाओ. ठीक है. जब जहां जिस कंपनी में रहो हनुमान की तरह वहां पे जिम्मेवार रहो. बॉस जो बोलेंगे उसको जिम्मेवारी से पूरा करोगे. देखो कैसे आगे नहीं बढ़ोगे. अपनी कंपनी बनाओ, अपनी कंपनी में रिस्पॉन्सिबल बन जाओ. हर एक चीज की जिम्मेवारी लेने को हमेशा तैयार रहो. जो जिम्मेवारी लेगा वही ताकतवर बनेगा. आज इस देश में सबसे ताकतवर कौन है? नरेंद्र मोदी. क्यों? उनके पास सबसे ज्यादा जिम्मेवारी. जिम्मेवारी बोझ नहीं है, जिम्मेवारी ताकत है, जिम्मेवारी शक्ति है. समझ रहे बात को? आप जिम्मेवारी से बचते हैं. सर हमेशा हमको जिम्मेवारी दे देते हैं. अरे जिम्मेवारी में ही तो ताकत है, जिम्मेवारी में ही तो शक्ति है, जिम्मेवारी में ही तो सीखना है. जब जो जिम्मेवारी मिले, जो काम मिले, वो काम सीख लो. नया जिम्मेवारी मिल गया, नया काम सीख गए, नया ताकत आ गया. कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? तो तुम लोग को हमेशा हनुमान जी को जब भी देखोगे, जाओगे स्टेशन पे हनुमान जी को, बॉस रिस्पॉन्सिबल हैं. हनुमान जी क्या सिखाते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है ना. और हनुमान जी ने एक गलती करी, गए थे वहां पर सीता की खोज करने के लिए और लंका में आग लगा दी थी. यानी दे पंगा ले पंगा. मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट है कि पंगा दोगे तो टेंशन लेने का नहीं, देने का भी नहीं. समझ गए बात को? टेंशन ना लेना, टेंशन दोगे तो तुमको भी टेंशन. ये सुनो है ना, पापा मम्मी को टेंशन दिए हुए हो, थैंक यू सो मच, कितना ख्याल रखता है मेरा.
अभी हनुमान बोल दिए ना ताली बजाओ इसके लिए भाई। ऐसे सच बोलूं, कभी कभी बोलता हूं मैं, सच बोलूं सिमेज के इतने साल की यात्रा में अनेक हनुमान हमारे संग जुड़े हैं, ठीक है, जामवंत भी हैं जामवंत को बहुत बाल था तुम लोग, मतलब तुम लोग नए बैच के हो, तुम लोग मतलब नहीं समझोगे समझ गए, खैर ये सब जोक बना है। तो दे पंगा, समझ गए बात को, कंसेप्ट ध्यान में रखना, मैनेजमेंट का कंसेप्ट है सब, ये सब किताब में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन लाइफ में ये मैसेज ऑफिस में ध्यान रखना, जिस ऑफिस में जॉब करोगे वहां पर पंगा देना नहीं तो पंगा मिलेगा भी। और एक कंसेप्ट ध्यान दो यहां पर, जब हनुमान, जब वहां पर राम सेतु का निर्माण किया गया तो पत्थर पर राम नाम लिखा गया, पत्थर डूबा नहीं। हम कहते हैं तुम लोग सबके यहाँ पर छाती पर सिमज का नाम लिखा हुआ, यस और नो? इस नाम की इज्जत रखना, इस नाम को कभी डूबने मत देना, यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मेरा ब्रांड नेम तुम लोग को मैंने दे दिया है, अब इस ब्रांड नेम को लेकर तुम बाजार में जाते हो और वहां सिगरेट का धुआं उड़ाते हो, नाम किसका खराब होता है? हंस रहा है गधा कहीं का, हाँ? तुम अपने माँ बाप का भी ब्रांड है, उनका भी ब्रांड खराब करोगे, ठीक है? और इस सिमेज के ब्रांड में इतनी ताकत है कि जिस पत्थर पर लिखा गया वो पत्थर तर गया, तुम लोग के ऊपर लग गया है, तुम भी तर जाओगे, तुम्हारा भी प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन ब्रांड को इज्जत देना, ब्रांड का इस जो छाती पर नाम लिखा हुआ है ना, इसका वैल्यू हमेशा सिमेज में भी, सिमेज के बाहर भी, सिमेज से पढ़ाई कर लेने के बाद भी, जिस कंपनी में रहोगे ना वहां भी तुम सिमेज के ब्रांड एम्बेसडर बनकर रहोगे।